वाई बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर साइन एक्स। ये अब सारा पावर वाला हम देखेंगे। पावर वाला में हम लोग को लॉग का इस्तेमाल करना होगा, दोनों तरफ बोथ साइड लॉग लेकर के अब सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिफरेंशिएशन में लॉग से रिलेटेड जितना सारा प्रॉब्लम है उसमें से हम लोग देख लेंगे कुछ क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है तो हाँ, मेरा इसका आंसर आया। आंसर रुक दो 1 मिनट। हाँ बोलो तो क्या आ रहा है। एक्स वाई कॉट थीटा प्लस वाई लॉग साइन एक्स। वाई वाई तो इसमें नहीं आना चाहिए। अच्छा वाई का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है वाई का वैल्यू, वाई के वैल्यू एक्स के पावर साइन एक्स पुट कर देंगे। अच्छा वाई को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड पहले लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ से 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सही लिखे ना, पहला का गुना साइन एक्स इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस एक्स। पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना पहला का डिफरेंशिएशन। तो ये हम लोग को कितना मिल रहा है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई की जगह पर हम लोग एक्स के पावर साइन एक्स ही पुट कर लेंगे। तो आ जाएगा साइन एक्स बटा एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। अगला करो, वाई बराबर दिया हुआ है एक्स कॉस इनवर्स एक्स के पावर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स है। तो कॉस इनवर्स से इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 − x², -1/√1 -1/√1 − x²। एक्स टू द पावर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इनटू -log(x)√1 − x² प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय ठीक है। क्या करेंगे, पहले तो लॉग वाई ले लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका करो तो पहला का गुना कॉस इनवर्स एक्स इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन। पिछला वाला से तो लगभग ये इजी ही है, पीछे वाला में हम लोगों को काफ़ी कुछ करना पड़ता था। यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, उसमें एक्स वाई को अरेंज करने में दिक्कत होता था। ये तो हो जाएगा कॉस पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना लॉग एक्स इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। तो इसको कर लो कॉस इनवर्स एक्स बटा एक्स प्लस माइनस लॉग एक्स बटा √1 − x²। अब वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू वाई, वाई का जो वैल्यू है वो पुट कर देना यहाँ पर। अब बाकी ये वाला अगला है वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स लॉग एक्स। सर ई के पावर में एक्स लॉग एक्स है। हाँ ये दोनों है एक साथ। सर इसका लॉग ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स लॉग एक्स इनटू ई टू द पावर ऑफ एक्स लॉग एक्स। इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया है एक्स के पावर एक्स और 1 + log x। फिर से ही देख रहे हैं ना। यही दिया हुआ है। हाँ सर उतना ही आएगा अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो। आ जा रहा है ठीक। यहाँ से हम लोग लॉग वाई ले लेंगे तो एक्स लॉग एक्स लॉग ई आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स पूरा बाहर और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग का हो गया 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए तो 1 हो गया इसको छोड़ देते हैं,
एक्स इंटू पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब उसके बाद वाई को इस तरफ ले जा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। वाई मतलब कि कितना, वाई का जो वैल्यू दिया है e के पावर एक्स लॉग एक्स, तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ई के पावर एक्स और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे ई के पावर लॉग कर लो एक्स लॉग एक्स को हम लोग कर सकते हैं एक्स के पावर एक्स। और देखो यहाँ भी बेस ई है इसका भी और ई के पावर है, दोनों ई हो तो लॉग हट जाता है, लॉग हट जाएगा तो हम लोग का आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और एक्स के पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई बराबर 10 के पावर 10 एक्स। तो ये देखो हम कर देते हैं, इसमें अगर लॉग वाई ले लेंगे तो आ जाएगा 10 एक्स लॉग 10, तो 1 बटा वाई dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का, इसमें सारा कुछ तो कांस्टेंट ही है, log 10 ये सारा कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 तो इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ से dy/dx निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y मतलब कि 10 के पावर 10 x इंटू 10 log 10, तो यही आंसर हो जाएगा। और एक तो और तुम लोग कर लो, वाई बराबर 10 के पावर 10 के पावर x। इसमें हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये अगर करेंगे तो लॉग लेंगे बोथ साइड तो हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, और 10 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर ऑफ x इंटू 10 की पावर ऑफ 10 की पावर ऑफ x। इसका अच्छा तो ये तो इतना आ जाएगा log 10 और ए वाला आ जाएगा 1 बटा y dy/dx इज इक्वल टू log 10 जो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रहेगा और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, ए के पावर एक्स लॉग ए, तो log 10 इंटू ए हम लोग कर लेंगे 10 के पावर x log 10, तो वाई डैश हम लोग को मिल जाएगा वाई इंटू मतलब 10 के पावर 10 के पावर x इंटू 10 के पावर x इंटू log 10 का होल स्क्वायर, नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू 10 x के पावर 1/x। सर आया हाँ सर, log 10x + sec²x / x tan x इनटू y मतलब 10x^1/x, एक बार फिर से बोलो तो। log 10x + sec²x / x tan x इनटू 10x^1/x। जो आंसर दिया है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें दिया हुआ है 10 x के पावर 1/x और sec²x बटा x tan x माइनस तो पहला वाला पार्ट क्या बताया आपने? log 10 x/x² क्या बोल रहे हो? यही तो है, सेम है तुम्हारा, x² नहीं है बस। ये वाला नहीं है ना, देखते हैं कहाँ छूटा। अगर यहाँ से 1 बटा y dy/dx कर लो तो ये आ जाएगा, सर मेरा हो गया, मैं कर लिया ये। आ गया। चलो कौन सा है? यहाँ से हम लोग का 1/x log 10x सिर्फ मिलेगा ना, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो, पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन log 10x का हो जाएगा 1/10x इंटू फिर 10x का sec²x।
और पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना मतलब कि लॉग टेन एक्स और पहला का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स, 1 बाई एक्स का, यही तुम्हारा गलती हुआ होगा, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा -1/x2। हाँ सर वो तो हम लोग का आ गया sec²x बटा एक्स टेन एक्स माइनस लॉग टेन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। अब फिर जब वाई को इधर लाएंगे तो टेन के ये वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स इसका पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और इसका पावर 1/x। इसमें दोनों को अलग अलग कर लेंगे और बारी बारी से दोनों का निकाल लेंगे। डायरेक्ट लॉग लेने से क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन में चलाएगा फिर। इसमें बारी बारी से करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं ए इक्वल टू एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, तो यहाँ से डी ए बाई डी एक्स क्या निकलेगा, लॉग लेना होगा ना पहले, तो 1/a डी ए बाई डी एक्स हम लोग को देगा एक्स लॉग, डिफरेंशिएशन करना होगा पूरा का, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/a डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x cos x, और फिर उसके बाद एक्स कॉस एक्स का करना पड़ेगा, तो फिर से एक बार लगाना पड़ेगा, पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन एक्स, और प्लस दूसरा का गुना कॉस एक्स इंटू पहला का डिफरेंशिएशन एक्स। तो हम लोग यहाँ पर चल रहे थे पहला का गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन जो कि ए आया, और प्लस दूसरा का गुना दूसरा मतलब कि कितना है लॉग एक्स प्लस दूसरा हम लोग का हो जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफरेंशिएशन 1। ठीक क्या है आंसर चेक करेंगे एक बार इसका, इसका वो log x cos x minus tan x plus log x sin square x plus cos x by x square sin x into 1 दोनों तो मतलब फर्स्ट पार्ट का किया, पार्ट दोनों पार्ट का तो बहुत लंबा आंसर, क्या बोलो तुम फिर से एक बार बोलो। log x cos x minus tan x plus log x sin square x plus cos x by x square sin x into y डिफरेंट आंसर दिया हुआ है इसमें, जो आंसर दिया हुआ है लिख देते हैं, तुम एक बार देखो अरेंज करके उसको। इसमें दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स और इसका पावर एक्स, फिर 1 - x tan x प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, और फिर प्लस दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा दूसरा का एक्स साइन एक्स के पावर एक्स, एक्स साइन एक्स के पावर 1/x, एक्स कॉट एक्स प्लस 1 कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा गुना पहला का डिफरेंशिएशन कर लिए, तो यहाँ पर हम लोग का एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स आएगा, और साथ में 1 बाई कॉस एक्स इंटू मल्टीप्लाई रहेगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो ए का जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक जगह पर हम लोग का क्या था, एक जगह पर था एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स के पावर पूरा का पावर था ना, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स पूरा का पावर है बटा कॉस एक्स। और अगर कॉस एक्स को अंदर लेके चले जाए तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स और प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा ए। तो ये देखो, ये पहला पार्ट का आंसर आया। अब दूसरा पार्ट करना है, और दूसरा को हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं। बी बराबर हम लोग का जो वैल्यू है वो है एक्स साइन एक्स के पावर एक्स साइन एक्स पावर 1 बाई एक्स, तो 1 बटा बी डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स साइन एक्स, और फिर एक्स साइन एक्स का पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, और प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। ये तो ये हो गया पहला का गुना ए फर्स्ट दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना लॉग एक्स साइन एक्स इंटू पहला का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, इज इक्वल टू आंसर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर नीचे लिया है। ये एक्स स्क्वायर को अंदर लेके चले जाते हैं तो पूरा का एलसीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वो एक्स कॉस वटा साइन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल और कॉस वटा साइन कॉट एक्स। कुछ गलती हो रहा है क्या, एक्स रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हम लोग नीचे रख चुके हैं, सिर्फ कॉस वटा साइन बचा जो कि कॉट एक्स के बराबर हो गया, और प्लस साइन बटा साइन 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या, अच्छा ये हो जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स, और इसमें हम लोग को बी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बी से मल्टीप्लाई मतलब कि एक्स साइन एक्स के पावर 1 बाई एक्स, यही आंसर हो जाएगा। एक्स कॉट एक्स बटा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग ट्राई करके नेक्स्ट डे आना। एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स प्लस, इसको बारी बारी से करना, एक एक करके सॉल्व करना, एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1।
थर्ड एक्स के पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन। फोर्थ एक्स के पावर एक्स रूट एक्स इसको ट्राई करना तो थोड़ा सा ये कर लेना। अगर यहाँ पर मान लेते हैं वाई बराबर एक्स के पावर एक्स रूट एक्स है तो लॉग वाई कितना हो जाएगा, एक्स के पावर एक्स ये फिर ऐसे करो लॉग एक्स के पावर एक्स प्लस लॉग रूट एक्स कर लेना इसको, इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और प्लस लॉग रूट एक्स। अब इसको सॉल्व करना तो ये हो जाएगा। सर एक बार ऊपर का वो क्वेश्चन दिखाएंगे।